For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. जी हाँ इश्क में मर जाओगी कहानी से एक ऐसी खबर आ रही है आप सबके सामने जो आपके होश उड़ा देगी। अब आप भी यही सोच रहे होंगे ना कि भाई ऐसे भी क्या शॉकिंग ट्विस्ट आ गया कहानी में जो आपके होश उड़ा कर रख देगा। चलिए हम आपको बताते हैं कि दरअसल अब लंदन में क्या होने वाला है और क्या कुछ मेकर्स ने सोचा है वहाँ के लिए। सबसे पहले तो ये बताते हैं कि क्या हाल रहा था बीते एपिसोड का, जिसमें आपने देखा था कि कैसे आरोही और दीप लंदन में घूम रहे होते हैं और आने के बाद घर में आरोही को सुला देता है दीप। लेकिन तभी आरोही बिना किसी को कुछ बताए वो चुपके से बाहर आ जाती है भाभी को ढूंढने, लेकिन उसके पीछे दीप पहुंच जाता है जहां वो दोनों मिलकर एक कॉफ़ी पीते हैं और कॉफ़ी में नशीली दवा मिला देती है आरोही उसकी। लेकिन इतने में कोई एक्सीडेंट होता है वहां पर और इतने में पीछे से तारा खेल जाती है खेल, जहां वो बदल देती है कॉफ़ी और आरोही पी लेती है वो नशे वाली कॉफ़ी और बेहोश हो जाती है। इसके बाद आपने देखा दीप से मिलती है तारा, जहाँ पर वो उससे मीठी मीठी खूब बातें करती हैं। तभी आरोही को भी होश आता है और वो एक बार फिर से भाभी को ढूंढने निकल जाती है, जहाँ उसके सामने सच्चाई आ जाती है कि वो तारा ही थी जो भाभी बनकर उसको यहाँ बुला रही थी। अब आपको ही बता देते हैं इन सब का बदला लेने के लिए दीप और तारा से अब आरोही चलने वाली एक बहुत बड़ी चाल, जहाँ पर वो लंदन में ही दीप को फंसाने वाली है ड्रग्स के इल्ज़ाम में और करवा देगी उसको वहाँ पर गिरफ्तार। जी हाँ सोर्सेस की माने तो कहानी में अब ऐसा ही है आगे वाला ट्रैक। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.